कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैंकों के कार्य में परिवर्तन किया गया है। अब ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य 2 बजे तक ही होगा, जो पहले 4 बजे तक होता था। जिसके संबंध में SBI के DGM PC बरोड ने बताया कि देश भर में तेजी से अपना पैर फैलाते हुए कोरोना वायरस अब उत्तर प्रदेश में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के कारण बैंकों में लगी भीड़ भी कोरोना वायरस का शिकार बन सकती है। इसलिए कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने व ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने 22 अप्रैल से 15 मई तक बैंकों में कामकाज की अवधि 2 घंटे घटाकर 10 बजे से 4 बजे के स्थान पर 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया है, तथा अब बैंक में केवल जमा, नगदी निकासी, चेक क्लियरिंग एवं सरकारी लेन देन की बैंकिंग सेवाएं ही प्रदान की जाएगी, तथा बैंक न्यूनतम 50% स्टाफ क्षमता के साथ ही कार्य करेगा। DGM ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सदैव अपने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, इसलिए विगत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन की तरह ही इस भीषण संक्रमण काल में भी अपने ग्राहकों को हर संभव बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, तथा स्टेट बैंक द्वारा सभी शाखाओं में इस संबंध में विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्राहकों को स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार आसानी से न्यूनतम बैंकिंग सेवाओं के अलावा अन्य बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SBI के DGM PC बरोड ने कहा, नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र बरोड, डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर चौक। कि जो कोरोना महामारी है, इससे सामना करने के लिए SLBC जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, उसके हिसाब से और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो डिसीजन लिया है, कल से 22 तारीख से सभी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 10 से 2 बजे तक खुलेंगे, जिससे कि वो अपना सारा काम पूरा करके 4 बजे बैंक बंद कर सकते हैं। तो बैंक जो है वो 10 से 2 पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बाकी बचा हुआ काम 4 बजे तक ख़त्म करके बंद करते हैं। सर, ग्राहकों को किन किन नियमों का पालन करना होगा बैंक में? जो कोविड प्रोटोकॉल है, डेफिनेटली उन्हें पालन करना है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएंगे ब्रांचेस में, जो पहले भी हमने करवाई है। लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नंबर के जो कस्टमर्स हैं, उनको ब्रांचेस में हम एंट्री देंगे, अगेन वही कोविड प्रोटोकॉल के तहत। उनको मास्क पहनना मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा, प्लस सैनिटाइजर्स जो है वो हमने सभी ब्रांचेस में रखवाए हैं। और हमारी जो कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ पे हमने जो ऑक्सीमीटर वगैरह की भी व्यवस्था करी है। सर, बैंकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या व्यवस्था की? हाँ, पहली बात तो ये कि हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको थोरोली मेंटेन करवाया है। सोशल डिस्टेंसिंग है वो थोरोली मेंटेन करवाया है। दूसरा ये है कि जो सैनिटाइजेशन है वो हमारी सभी ब्रांचेज में हम डेली सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, और हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको एज पर कोविड प्रोटोकॉल, जो भी पर्सनल प्रोटेक्शंस हैं, मास्क हैं, बहुत सारी जगह पे बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 10 से 2 जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो 4 बेसिक या मैंडेटरी सर्विसेज जो हैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड करी जाएंगी। वो है कैश रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा है रेमिटेंसेस, तीसरा है क्लियरिंग ऑफ ऑल द चेक्स, और चौथा है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स। ये सर्विसेज हम इंश्योर करेंगे, और SLBC ने बोला है कि यही सर्विसेज आपको बेसिक प्रोवाइड करनी है। इनको छोड़ के बाकी भी सर्विसेज हैं वो इफ़ डीम फिट और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ही प्रोवाइड की जाएंगी।